आज के लेसन में हम वर्डप्रेस पे लोगो ऐड करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में मैंने आपको फोटोशॉप की मदद से आप लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर काम किया था। इसके अलावा आप काफी सारी वेबसाइट भी मैंने बताई थी जिनके थ्रू आप लोगो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और बाज साइट ऐसे थे जिनमें आपको लोगो क्रिएट करने के बाद परचेज करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप खुद ही जो है तो फोटोशॉप की मदद से लोगो क्रिएट करें, और अगर नहीं आता आपको लोगो क्रिएट करना तो आप मेरे फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ की वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से समझाया हुआ है कि आप लोगो वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज के लेसन में हम लोगों को रिप्लेस करना सीखेंगे, जो कि हमारा जो टेम्पलेट्स है वर्डप्रेस का जो टेम्पलेट्स है बेस प्रेस, उसमें जो लोगो लगा हुआ है उसको हम रिप्लेस करना सीखेंगे। यहां पे मैं विजिट साइट पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे देखें तो एक बेस प्रेस का यहां पे देखें तो एक लोगो यहां पे ऐड किया है। ज्यादातर जो थीम होते हैं किसी भी कोई भी जो थीम होता है उसके साथ उसका लोगो अटैच किया हुआ था उस लोगो को आप रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट आप यहां से, जैसे कि बेस प्रेस पे मैं क्लिक करता हूं तो बेस प्रेस का यहां से डायरेक्ट जो है जनरल में आप लोगो चेंज कर सकते हैं लोगो इमेज। और कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें लोगो का यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं होता, तो उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है तो यहाँ से डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने एक आपको जो है तो बताया हुआ है कि आपके पास लोकल हॉस्ट में, वर्डप्रेस में, WP कंटेंट्स में थीम है, और बेस प्रेस में एमएच के अंदर लोगो पड़ा हुआ है, एक्सटेंशन की .png है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं आया हुआ आप अपने लोगो को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने एक डेस्कटॉप पे आई थी लोगो क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे ये लोगो है जो कि हमने यहाँ पे 60 डेज वर्डप्रेस ट्रेनिंग का एक लोगो मैंने क्रिएट किया था। इस लोगो को जो है तो हमने वहां पे ऐड करना है, तो इस लोगो को, ये लोगो PNG है, इस लोगो को आप यहां से कॉपी कर लें, कॉपी लोगो को कॉपी करें यहां से और सी में जाएं, सी में आपके पास है XM, XM में आपके पास है HTDocs, यहां पे वर्डप्रेस और वर्डप्रेस में WP कंटेंट्स, इसके अंदर थीम है, थीम में आपके पास बेस प्रेस थीम है, और भी जो थीम हमने ऐड किए वो भी है। बेस प्रेस थीम पे क्लिक करें और यहाँ पे इमेज है और इमेज में यहाँ पे आपके पास है लोगो, और यहाँ पे ये जो लोगो है इस लोगो का मैं यहां से कंट्रोल भी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कह रहे हैं कि रिप्लेस करना चाह रहे हो आप लोगों के साथ लोगों को, तो आप यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक करें तो लोगो रिप्लेस हो चुका है इसके साथ। अब जब आप यहाँ पे जाके अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो आपके पास देखें वो लोगो आ गया। अब लोगो आ गया लेकिन लोगो सही तरह से एडजस्ट नहीं किया हुआ, देखें यहाँ पे इसके ऊपर आ रहे, तो यहां से इसकी कैसे सेटिंग होती है वो आपको मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ पे जो लोगो एड हो गया इसके साथ, अब इसमें एक मसला ये है के लोगो तो हमने ऐड कर लिया लेकिन ये हमने डायरेक्ट वहां से ऐड किया। अब यहां से अगर आपने ऐड करना है तो आप डायरेक्ट यहां से लोगो इमेज पे क्लिक करेंगे, यहां पे दो ऑप्शन है, कस्टम टेक्स्ट, टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हैं ओनली तो आप टेक्स्ट लिख के आप यहां से इसको सेव कर लें, और यहां पे जाके आप रिफ्रेश करके देखिए इसको ओनली टेक्स्ट आ जाएगा यहां पे वर्डप्रेस ट्रेनिंग। लोगो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहां पे जाएं और यहां से अपने लोगो सिलेक्ट करें। अब लोगो अपलोड करने के लिए आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, जहां भी लोगो पड़ा हुआ है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो जो मैंने नॉर्मल जिस तरीके से अपलोड किया वो आपको बता चुका हूं, जैसे कि मैं यहां पे प्रोफाइल कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लोगो ऐड करना चाह रहा हूँ, हालांकि ये लोगो नहीं है, पिक्चर है जो कि मैंने कॉन्टेक्ट अस अपनी वर्चुअल अकेडमी के लिए यहाँ पे ऐड की थी। अब ये जो आपका लोगो आ गया और इस लोगो को जब आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, साइज बहुत बड़ा है इसका, तो शायद के ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो यहां से भी आप लोगो ऐड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि आप वहां से डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे मेरे पास जो लोगो पड़ा है उसी को यहाँ से लोगो पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। तो लोगो PNG फॉर्मेट में आपने बनाना है, PNG का फायदा ये होता है कि इसका बैकग्राउंड नहीं होता और जो पीछे वाला बैकग्राउंड होता है उसे भी एडजस्ट हो जाता है। लोगो क्रिएट करने के बाद आप इसे अपलोड करें और यहां से सेव कर लें।
तो आपके ब्लॉग में आपके जो वर्डप्रेस का थीम है वहां पे आपके पास देखें तो लोगो भी ऐड करना मैंने आपको सिखा दिया, लोगो कैसे ऐड करते हैं। तो आप फोटोशॉप की मदद से लोगो क्रिएट करें और फिर आप ऐड करें। ऐड करने के बाद इसकी जो सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स से आपने घबराना नहीं है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेसन बताऊंगा कि इसको आपने कैसे चेंज करना है। तो मैंने इसी सेटिंग की वजह से ही मैंने आपको जब लोगो हमने क्रिएट किया था तो उसके मैंने साइज ज्यादा रखा था, वो सिर्फ इसीलिए रखा था अगर इसका ये बाहर निकल आता है अपने एरिया से, ये इसकी सेटिंग खराब हो जाती है तो उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए मैंने इसका साइज बड़ा रखा था। तो नेक्स्ट लेसन में हम इसको एडजस्ट करना सीखेंगे कि आप इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने लोगो दो तरीकों से ऐड करना सीखा। एक तो डायरेक्ट आपका जो वर्डप्रेस आपने सी ड्राइव में जहां भी आपने अपना वर्डप्रेस का थीम जहां पे रखा है वहां पे इमेज में इमेज को रिप्लेस करना, लोगो से लोगो को रिप्लेस करना, और दूसरा डायरेक्ट जो है तो लोगों को अपलोड करना। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।